गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं दो वेदों की कथा प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। सबसे पहले हम प्रेमचंद का, हमने जीवन परिचय कल पढ़ा दिया था आपको, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया था प्रेमचंद का जीवन परिचय। अब प्रेमचंद जी की कहानी जो चल रही है दो वेदों की कथा, आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे। ठीक, देखिएगा। कहते हैं कि ना, जो गधा जो होता है, बताते हैं मतलब इसमें कि गधा जो गधा होता है वो सबसे बुद्धि, सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम किसी आदमी को कि परले दर्जे का जब बेवकूफ़ कहते हैं तो उसे हम कहते हैं गधा। और गधे का एक भाई भी है बैल, उसको हम बैल, वो उसी का एक भाई है, मतलब वो थोड़ा कम बेवकूफ़ है लेकिन वो भी है। तो बताते हैं कि मतलब झूरी काछी के दो बैल थे, हीरा और मोती। तो वो उनका जब उनका साला आता है उनको ले जाते हैं, है ना, तो ले जाता है झूरी का सारा। झूरी काछी के दोनों बैल थे, देखिएगा। गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसे कहते हैं, उसे वो उससे थोड़ा सा कम गधा है और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का उपयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थों में हम बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार बैल कभी कभी मारता है। बैल क्या करता है, बैल तो कभी कभी मारता है लेकिन, और कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, और वह भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कभी सींग मारता है, कभी पीछे से टांग मारता है, तो जब उसको कोई परेशानी आती है, परेशान करते हैं लोग उसे, तब वो मारता है। अतः उसका ध्यान, उसका स्थान जो होता है गधे से नीचा है, मतलब गधा जो है सबसे बड़ा परले दर्जे का बेवकूफ होता है। कहते हैं झूरी काछी के दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे, काम चौकस करते थे, दिल में भी ऊंचे थे बहुत आपस में, मतलब और हीरा और मोती जो थे आपस में विचार बिंदे भी, अपनी भाषा में विचार बिंदे भी कर लेते थे, आपस में एक दूसरे को सुनते थे, प्रेम से एक दूसरे को चाट लिया करते थे। कोई थक जाता तो एक दूसरे के भी प्यार से बात सुनता, एक दूसरे को चाट चूट के वो अपनी थकान जो थे मिटा लिया करते थे, मिटा लेते थे। और क्या करते थे, और उसके बाद खाली भूसा पड़ जाने के बाद भी दोनों साथ साथ उठते थे, साथ साथ उसमें मतलब नाक में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। जब एक मुँह हटा लेता था तो दूसरा भी मुँह हटा लेता था, मतलब बताया है कि दोनों में कितना स्नेह था। संयोग की बात हुई, क्या हुआ कि झूरी ने गोई मतलब दोनों बैलों को ससुराल भेज देता है। अच्छा, बैलों को क्या मालूम कि बेचारे कहाँ भेजे जा रहे हैं, समझे उसने मालिक ने भेज दिया। तो क्या हुआ, उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, तो झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों तक पसीना आ गया। वो जाना नहीं चाहते थे, वो उनके साथ जाना ही नहीं चाहते थे, बार बार टांग अड़ा करके खड़े हो जाते थे, कहते थे नहीं जाएंगे, लेकिन वो उनको मार 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 पीट पीट करके वहाँ पे ले गया। और वहाँ पर जाकर के उसने क्या किया, उसने जाकर के उनको उसने बांध दिया, जाकर के उसने जाकर के बांध दिया। और क्या किया उसने, क्या किया मतलब उसने जाकर के वहाँ जाकर बांध दिया और उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। सूखा देखा तो सूखा उन्होंने भूसा डाल दिया जो मतलब खा भी नहीं सकते थे। लेकिन रास्ते में जाते जाते वो बेचारे पूछ रहे, अपने मन में सोचे थे कि झूरी काछी के मतलब जो थे मालिक जो था हमारा, उनके लिए हमने इतना कुछ किया, यदि और भी कुछ चाहते तो हम कर सकते थे, पर उन्होंने हमें बेच क्यों दिया। वो मतलब ये क्वेश्चन अपने मन में कर रहे थे कि इन्होंने हमें बेच क्यों दिया। लेकिन जब वो वहाँ पर लाए जाते हैं तो क्या होता है, सूखा सूखा उनके आगे चारा डाल दिया जाता है। तो नाग ने जब मुँह लगाते हैं तो उसमें देखा एक ने भी उसमें मुँह नहीं डालता था, दिल भारी हो गया था, अपना अपना घर समझ रखा था, पर आज वो उनसे छूट गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ने अपनी भाषा में सलाह की कि यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अपने पगहे मतलब होता है जो अपनी अपनी रस्सियाँ उन्होंने लगाई हैं हम उसको तोड़ देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रस्सियों को उन्होंने तोड़ दिया। और क्या हो गया, वो रस्सी तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते भागते भागते वह झूरी के यहाँ पहुँच जाते हैं, झूरी के पास पहुँच जाते हैं। तो जब सवेरा होता है तो देखते हैं कि काम मतलब दोनों बैल यहीं पर खड़े हैं।
तो झूरी जो है जाता है और उनको बड़े प्रेम से जाकर के गले लगा लेता है और उनके आकर के दाना चारा सबको डाल देता है। अच्छा बच्चे भी जो होते हैं बड़े खुश होते हैं, कभी कोई उनके लिए कोई कुछ ले आता है, कोई उनके लिए कुछ ले आता है खाने के लिए, तो कहते हैं कि ये ना ये मतलब इस जन्म के पशु पैल नहीं है, मतलब दूसरे जन्म ये पिछले जन्म के कोई आदमी है, मतलब मानव का इन्होंने अवतार, मतलब मानव है, पिछले जन्म के कोई मतलब मनुष्य है। तो इसमें क्या होता है कि झूरी जो है अपने मतलब झूरी की स्त्री ने जब बैलों को द्वार पर देखती है तो जड़ जड़ उठती है, बोली कैसी नरम नमक हराम है, एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं किया और वहाँ से भागे हुए चले आए। तो स्त्री चिड़ी थी इसलिए जैसे बुद्धों की तरह कहती है कि तुम चिड़ गई थी क्योंकि उनके भाई के यहाँ से वो वापस भाग गए थे, तो चिड़ी बैठी थी तो कहती है तुम जैसे बुद्धों के काशी लोग रहेंगे मतलब तो और लोगों को काम भी करेंगे, मतलब काम करेंगे तो उन लोगों को खिलाएगा कौन, है ना, कितना खिलाएंगे। तो वे दोनों दोनों कामचोर ठहरे, भाग निकले, अब देखूं कहाँ से इन्हें खरी और चोकर मिलता है, खरी और चोकर मिलता है तो इन्हें सूखा धान डाल दिया जाता है। झूरी उनसे कहता भी है नौकरों को कि इनको खरी और चोकर डाल दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम मालकिन हमें मना करेगी, हमें मारेगी, तो वो इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, झूरी का साड़ा फिर आता है और फिर बैलों को नहीं चलता है, उसने अपने बैलों को गाड़ी में जो दिया, दो चार चार मोती ने गाड़ी की सड़क को दो चार बार मोती ने सड़क मतलब खाई, जो गाड़ी थी उसको खाई में गिरा दिया, खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया क्योंकि वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो दोनों मोती रस्सियों से बांध दिए गए और कल की शरारत का उन्होंने मजा बहुत चुकाया। फिर उन्होंने क्या किया, सूखा सूखा उनके ऊपर भूसा मतलब उनके खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया गया, दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी, मतलब अपने दोनों बैलों को अपने दोनों बैलों को उन्होंने खली चुनी सब कुछ दी, लेकिन क्या किया, इन जो हीरा और मोती जो दोनों बैल थे इन लोगों को उन्होंने मतलब सूखा ऐसे ही सूखा चोकर डाल दिया। ठीक है, तो दोनों बैलों का कहते हैं अपमान इतना कभी भी नहीं हुआ था, झूरी उन फूल की छड़ी से भी उन्हें ना छूता था, और यहाँ पर ये दोनों जब देखो तभी मारते रहते थे, तो इतना मतलब अपमान सहा, तो उन्होंने अपने नांद की तरफ, नांद जहाँ पर खाना डाला जाता है, तो नांद की तरफ उन्होंने एक बार मुंह भी नहीं उठाया देखने के लिए कि इसने क्या हम लोगों को खाने को दिया है। तो दूसरे दिन गया ने बैलों को हर में जोटा और दोनों ने क्या किया, पाँव ना उठाने की कसम खा ली। मारते मारते जब वो थक गया, दोनों ने पाँव ना उठाया, एक बार उस नरदेई ने हीरा की नाक पर खूब गड्ढे जमा दिए, तो मोती का गुस्सा जो था काबू से बाहर हो गया, वो हल लेकर के भागा, रस्सी जुआ जोत सब टूट टूट कर सब कुछ बिखर गया, गले में मोटी मोटी रस्सियाँ नाए होती हैं तो ये दोनों शायद भाग गए होते, पकड़ में ही ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, क्या कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है, पकड़े जाएंगे तो और मार पड़ेगी, है ना, और मार पड़ेगी, तो बैल का जन्म लिया है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। तो कहते हैं गया जो है दो आदमियों के साथ दौड़ा चला आ रहा है, हमको पकड़ लेगा। तो हीरा ने समझाया, नहीं भैया यहीं खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को मार करके मैं भी गिरा दूंगा। लेकिन कहता है नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है कि हम किसी को मारें। तो मोती जो है दिल में ऐड कर रह जाता है और गया आ पहुँचता है, दोनों को पकड़ करके ले जाता है कि इस वक्त ये मतलब अच्छा हो गया कि इस वक्त उसने इनके साथ में कोई मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता उसको मारने के लिए गया। उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही बेहतर है, मतलब उन्होंने बैलों को यह देखा इस प्रकार से मतलब गुस्से में है तो उन्होंने क्या किया, उनको ना मारना ही बेहतर समझा, उन्होंने उनको नहीं मारा और उनको ला करके क्या किया, और उनके आदमी को वहीं बांध दिया गया और उनके आगे सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर के आई और दोनों के मुँह में लेकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख बेचारों की क्या शांत होती, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, मतलब उतने जितने स्नेह से उस बच्ची ने आकर के उनको खाना खिलाया। लड़की किसकी थी, यहाँ भी किसी सज्जन का ही वास रहता है। कहते हैं हृदय को मानो भोजन मिल गया, गया तो है था ही बेकार आदमी,
लेकिन कहते हैं यहाँ भी किसी सज्जन का हाथ रहता है। लड़की किसकी थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता होती थी। वो बैलों को क्या करती थी? बैलों को बहुत प्यार करती थी, ठीक है। और बेचारे दोनों दिन घर पर दोनों दिन पूरे डंडे मारे जाते, जोते जाते, और शाम को थान पर वो मार दिए जाते, और रात को क्या करे, वही लड़की आती और उनको दो रोटियाँ खिला जाती। तो प्रेम के प्रसाद की यह बरकत थी कि गला सूख कर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में विद्रोह भरा हुआ था। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं कि हम इसको, ये दीवार को हम गिरा देते हैं। बोले इतनी मजबूत दीवार है, हम बंधे हुए हैं, तो हम कैसे जा पाएंगे। तो एक जो होता है अपने सिंह से दीवार पे अड़ाता है, थोड़ी सी मतलब मिट्टी निकल आती है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी निकल आती है, तो उसका साहस और बढ़ जाता है, तो कहते हैं कि इतने में क्या होता है, कहता है कि जब वो सोच रहा होता है तो कहते हैं कि ना मतलब इसका उपाय एक ही है कि पहले रस्सी को थोड़ा सा हम चबा लेते हैं, फिर एक झटके से टूट जाएगी। शाम को जब वो बालिका रोटियाँ लेकर खिलाकर चली जा गई तो क्या किया दोनों ने, पहले तो रस्सियाँ चबाने लग जाए, क्योंकि रस्सी छूटेगी तभी तो बाहर निकल पाएंगे, तो रस्सियाँ चबाने लग जाती हैं। मोटी रस्सी मुँह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते। सहसा घर का द्वार खुल गया और वो लड़की निकल करके बाहर आई, दोनों सिर झुका करके उसका हाथ चाटने लगी, दोनों की पूँछें जो थी खड़ी हो गई, मतलब उस लड़की से स्नेह भाव प्रदर्शित करने लगे, है ना, मतलब और उसने उनके माथे सहलाए और बोली, मैं तुम्हें खोले देती हूँ, तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ। वहाँ लोग यहाँ पर बंधे रहोगे तो लोग तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में भी नथ डाल दी जाए, नाक में भी इनके नथ डाल दी जाए। उसने क्या किया, उसने ग्राम खोल दिया, जो उस गले में जो बंधा होता है ना वो खोल देती है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहते। लेकिन मोती ने अपनी भाषा में हीरा से कहता है, अब बताओ चलते क्यों नहीं। तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन क्या होगा, कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, क्योंकि इसने खोला है तो इसी के ऊपर आफत आ जाएगी, लेकिन क्या होता है, अब सब रस्सी इसी पर संदेह करेंगी। साइसा बालिका एकदम से चिल्ला उठती है, कहती है कि दोनों फूफा वाले बैल जो हैं भागे जा रहे हैं, अरे दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब वो चाहती थी कि ये दोनों जन यहाँ से तुरंत ही भाग जाए, गया जो होता है हड़बड़ा करके भीतर से निकलता है और बैलों को पकड़ने के लिए चल देता है। तो वे दोनों भागे, गया ने बहुत पीछा किया फिर भी तेज हुए, और गया ने बहुत शोर मचाया, गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लिया और दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। दौड़ते ही चले गए, यहाँ तक कि दौड़ते जाते जाते उन्हें मार्ग का ज्ञान भी मिला कि हम किस रास्ते से आए थे और कहाँ हमको जाना है। तो ज्ञान भी न रहा कि जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका कहीं अता पता ही नहीं था। तो हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम वो रास्ता भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। मैं उसे मार गिराना था, पकड़ के उसको, किसको, गया को मार गिराना था उसे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे तो क्या हुआ, खेत में मटर खड़ी हुई थी, दोनों वहीं जा करके चरने लगे, रह रह करके आहट ले लेते थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब उनका पेट भर गया तब उन दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया कि आज हमारा पेट अच्छे से भर जाए और हम आज स्वतंत्र हैं। वो तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने अच्छे तरीके से डकार ली, मतलब उनका जब पेट भर जाता है तो डकार आ जाती है, तो पहले उन दोनों ने डकार ली और फिर सीन मिलाकर आपस में मतलब प्यार प्रदर्शित किया, एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह जा करके खाई में गिर गया, उसको पीछे हटाया, प्यार मतलब खेल रहे थे तो वो जा करके खाई में गिर जाता है, तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल करके उठा और फिर मोती से जा करके मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो क्या हो गया, तो वो एक किनारे हट जाता है। लेकिन ये क्या, इतने में क्या होता है, एक दूर से देखता है कि एक सांड जो है भागता हुआ चला आ रहा है, तो देखते हैं सांड ही तो है, वह सामने आ जाता है। सांड क्या है, सांड तो पूरा एक हाथी है, उससे भिड़ना जान से ही हाथ धोना है, लेकिन
नहीं भिड़ते हैं तो तब भी जान में बचती हैं, और यदि भिड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहते हैं देखते हैं उसकी तो कितनी भयंकर सूरत है इसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंस गए, बुरे फंस गए, मटर खाने आए थे तो यहाँ पर आकर के बुरे फंस गए, जान ना बचेगी, जान बचेगी, बताओ जल्दी से बताओ, कोई उपाय सोचो, कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर में कहता है, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती न सुनूंगा, भाग क्यों ना चले। कहते हैं प्रार्थना मतलब जो हाथी जो है, हाथी जो है अपने घमंड में भूला, उसको इतना घमंड है ना कि वो दूसरे की बात तो सुनेगा नहीं, तो ना हमारी कोई विनती सुनेगा, ना हमारी कोई प्रार्थना सुनेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। भागना कहता है, भागना तो कायरता कहलाती है, कायर व्यक्ति करते हैं, भाग जाते हैं, तो फिर यहीं मरो। तो बंदा 9-2-11 हो जाता है, बंदा तो 9-2-11 हो जाता है, और जो दौड़ाई तो फिर कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चौक कर, मैं आगे से दौड़ता हूँ और तुम पीछे से, रंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो ये भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल, मतलब दोनों तरफ से उसे मारेंगे, जब वो आगे आए तो तुम मार देना और जब पीछे आए तो हम मार देंगे, तो मतलब दोनों तरफ से उसको झपटेंगे, मतलब यही बात, यही जान बचाने की बात है, मतलब वो कहता है कि और दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के लग गए। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का बहुत तजुर्बा था, एक शत्रु से मलयुद्ध करने का तो बहुत ही आदि था। मलयुद्ध मतलब होता है कुश्ती, मलयुद्ध किसे कहते हैं, कुश्ती करने की, वो तो मतलब बहुत आदि था, मतलब आदि था मतलब उसको आदत थी, वो मतलब किया करता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ा दिया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेद दिया, ठीक है ना। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को हम गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे अवसर ना देते। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, मोती ने बगल में क्या किया, उसके पेट में अपने सींग जो थे ना भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर के पीछे गिर गया, तो हीरा ने क्या किया, अपना सिंह चुबो दिया, आखिर बेचारा जख्मी होकर के भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, जब तक कि सांड जो था बेदम होकर के गिर नहीं गया, तब दोनों ने उसको क्या किया, छोड़ दिया, सांड को छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे कि हम तो भैया जीत गए, है ना। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में, मतलब संकेतों की भाषा में, संकेतिक भाषा मतलब जानते हैं, इशारों की भाषा जो होती है, मैं कहा मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डाले, बच्चा को मार ही डाले, मतलब जो हाथी का जो आया था हाथी, मैं उसको तो मार ही डालू। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, जो गिर गया है यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया, हींग मना, हीरा तो मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। 2-4 ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को इन्होंने घेर लिया। हीरा तो मिल पर ही था, निकल गया, पर मोती जो था क्या हुआ, खेत जो था सींचा हुआ था, मतलब खेत में पानी डला हुआ था, वहाँ जाकर के उसके पैर जो थे उसी में जाकर के कीचड़ में धंस गए, वह भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो वह क्या किया गया, तो लौट पड़ा, तो बोला फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे, घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए, ठीक है। प्रातःकाल दोनों मित्र जो थे वो काजी हाउस में जाकर के उनको बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा शादी का पड़ा था, ऐसा अवसर पड़ा था कि सारा दिन बीत गया कि खाने को किसी ने एक दिन का भी नहीं दिया, समझ में नहीं आता था कि यह स्वामी कैसा है। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम भूसा ही डाल देता था। तो उसकी कई भैंसे थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था, सब जमीन पर क्या पड़े थे, सब जमीन पर काजी हाउस में सब मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, मतलब सबकी हड्डियाँ निकल आई थी, है ना। तो कई और तो टकटकी लगा कर ताकते थे पर कोई चारा लेकर आता तो ना दिखाई दिया,
तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी जो थी वो चाटनी शुरू कर दी। भूख लगी थी, क्या करते, तो उन्होंने क्या किया, दीवार से मिट्टी ही चाटनी शुरू कर दी कि शायद उसी से थोड़ा सा भूख मिट जाए, ठीक है ना। तो रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में क्या हुआ, विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मोती से बोला, ये अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब तो नहीं रहा जाता है मुझे। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकले जा रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो हीरा भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना ही चाहिए। कहता है आओ दीवार को तोड़ डालते। कहता मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत थक गया हूँ और खाने को कुछ मिला नहीं है। कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो कहता है इतनी जल्द हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का हम कोई उपाय बताते। तो दीवार तोड़ डालने कहता है, और कहता है मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा तो मजबूत था ही, अपने नुकीले सींग जो थे ना उसने दीवार में गड़ा दिए। मिट्टी का जो था एक चप्पड़ जो होता है मिट्टी एक निकल करके बाहर आ गया, उसका साहस बढ़ गया। दौड़ दौड़ करके उसने दीवार पर बहुत सारी चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो थी गिरने लगे। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार जो था लालटेन लेकर के जानवरों की हाजिरी देने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा। तो हीरा का उजड़पन देख करके उसने कई डंडे उसके ऊपर रसीद कर दिए, मतलब कई डंडे उसको उसने मारे, हीरा को उसने कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से उसने बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई मिला क्या, आखिर बताओ मार खाई है और मिला ही क्या है। तो अपने भूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में ही पड़ गए। तो कहता है अब तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहता है कोई परवाह नहीं, मरना तो है ही। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती, मतलब सब लोग बाहर चले निकल के भाग जाते, लेकिन क्या होता है दीवार में जो मार मार के सींग करके वो जोर लगाने लगता है और जैसे प्रतीत होता है कि जैसे वो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है, अगर हार के वो दीवार जो होती है वो टूट जाती है और क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी जो जानवर पड़े बैठे होते हैं, जितने भी जानवर अंदर मरे पड़े होते हैं, तो क्या हुआ जब दीवार टूट जाती है सभी जानवर चेत से पड़ते हैं, मतलब उनके शरीर में जान आ जाती है। और दोनों घोड़ियाँ भी सर पर भाग निकली, बकरियाँ भी भाग निकली, भैंसे भी घिसक गई और गधे जो थे वो जो के त्यों खड़े रहे, क्योंकि वो तो एक नंबर का बेवकूफ है ना, इसलिए खड़े रहे। तो हिरण ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाती। तो गधा बोला कि हम दोनों फिर पकड़ लिए गए तो क्या हैरत है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है तो हम तो यहीं पे पड़े रहेंगे, जो गधे जो थे ना वहाँ से नहीं गए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच ही रहे थे कि जाएं या ना जाएं। हीरा और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा और मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ मुझे यहीं पर पड़ा रहने दो, कम से कम तुम ही निकल जाओ, मेरी में नहीं हो जाती है। लेकिन मोती ने आंसू भर करके कहा हम इतने स्वार्थी नहीं हैं, हम और तुम इतने दिनों तक हम लोग साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग क्यों अलग हो जाऊँ। देखिए इसमें मतलब पशुओं में कितनी मानवीयता का वर्णन किया गया है और स्नेह और इतनी मानवीयता का दर्शन तो कहीं मनुष्यों में भी नहीं प्राप्त होता है ना, मनुष्यों में भी नहीं मिलता है। तो मोती जो था वो गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार भी पड़ जाए तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि हम लोगों ने 9-10 प्राणियों की जान बचा ली, वह सब तो हमें आशीर्वाद देंगे ही ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार करके अखाड़े से बाहर कर दिया। जो बाड़ा जो होता है, बाड़ा मतलब जो बाड़ा होता है ना जहाँ पर गाय भैंसें बांधी जाती हैं उसे बाड़ा कहते हैं, तो उनको बाड़े से उन्होंने बाहर कर दिया। भोर हुआ, सवेरा हो गया, तो चौकीदार अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। क्या खलबली मच गई,
और इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खलबली ये मच गई कि बाड़ा जो था, बाड़े की दीवार टूट गई थी और सारे जितने जानवर थे सारे के सारे भाग चुके थे, सारे के सारे बांध दिए गए थे। और मोती की तो खूब मरम्मत कर दी गई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हीरा तो बंदा ही बंदा था और मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह बीत गया, दोनों जो मित्र थे वहीं पर पड़े हैं। किसी ने चारे का एक दाना भी उनके लिए नहीं दिया था। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनका आधार था, मतलब उसी से वो अपनी जीविका चला रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल गई। ठठरियाँ में से होता है उनकी जो हड्डियाँ जो होती हैं वो भी दिखाई देने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पर 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। दोनों मित्र निकाल दिए गए और देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार तो होता, मतलब उनकी नीलामी होने लग गई थी, कोई खरीदार आ जाए, बेच रहे थे। सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर थी ले जाकर के मित्रों के कूल्हे में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उसे क्यों टटोल रहा, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न था। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से, मतलब डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नहा के भाग गए, कम से कम वहाँ खाना तो मिल रहा था, वहीं बैठे रहते, लेकिन अब तो जान भी ना बची। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करके हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है, बताइए। भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर हैं, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था तो क्या अब हमें ना बचाएंगे। क्या हुआ गया, वह आदमी छुरी चलाएगा तो क्या चिंता है। नीलाम हो जाने के बाद क्या हुआ कि गड़ियल के साथ में वो चले गए। गड़ियल उनको लेकर के जा रहा था तो उनको धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये रास्ता तो बड़ा जाना पहचाना है, ये रास्ता जो था ये रास्ता जाना पहचाना देखा उन्होंने, तो उनकी सारी दुर्बलता जो है गायब हो जाती है। और कहते हैं यह लो अपना ही घर आ गया, हम इसी कुएं पर क्या करते थे, कुट चलाने के लिए आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नदी का आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अपने घर भागता हूँ, यह जानने देगा इसे मैं मार के रखता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर के, मतलब पागलों की भांति, बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, कुलेले मतलब किलोर करते हुए, खेलते हुए, लीला करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। वह हमारा थान है, दोनों दौड़ करके अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरियल भी पीछे पीछे उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा क्या कर रहा था, झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लग गया और मित्रों की आंखों से आंसू बहने, मित्रों की आंखों से मतलब दोनों जो मित्र थे हीरा और मोती, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दरियल ने आगे बढ़कर के बैलों की रस्सियां पकड़ ली तो झूरी ने कहा, ये तो बैल मेरे, तुम्हारे बैल कैसे। कहता है, मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लेके आया हूँ। तो कहता है, मैं तो समझता हूँ कि चुराए लिए आते हो, चुपके से भाग कर चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो ही ये बिकेंगे, नहीं तो नहीं बिकेंगे, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तो कहता है, कर दो जाके रिपोर्ट कर दूँ। तो गड़ियल जो था आगे बढ़ा पकड़ने के लिए तो मोती ने सिंह चला दिया, गड़ियल पीछे हट गया और गड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, उसने दरियल का रास्ता देख रहा था। मोती जो था विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग क्या कर रहे थे, ये सारा तमाशा देख रहे थे। अब दरियल जब मतलब इतना सब कुछ हो गया तो दरियल जो था हार करके चला गया। तो मोती अकड़ता हुआ बोल लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मारना बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे बेमारे ना छोड़ता, अब ना आएगा मुर्गे वापस, आएगा तो दूर से ही उसे खबर ले लूँगा, कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना होगा, हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए तो हम लोग इतने सीधे हैं कि जहाँ कहते हैं वहीं पर सिर झुका करके हम लोग चल देते हैं,
जरा देर से नान में जरा देर से मतलब थोड़ी देर उनके बाद में क्या किया, नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा हुआ दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के जो थे तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह समा सारे का उछाह का मतलब होता है उत्साह आता है तत्सम और तद्भव शब्द उसमें आता है उछाह। उछाह का मतलब होता है उत्साह। क्या मतलब होता है? उत्साह। तो सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर के दोनों के माथे चूम लिए। दोनों के माथे मतलब हीरा और मोती दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार से ये कहानी जो है दो बैलों की जो कथा है ये आज समाप्त हो जाती है। इसमें ये बताया गया है कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु सब प्रेम के भूखे होते हैं, स्नेह चाहते हैं वो हैं। जो स्नेह करता है प्यार देता है मतलब मोती, जो पशु पक्षी भी जो होते हैं अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, संकेतों की भाषा से जवाब देते हैं, उन लोगों को भी एक दूसरे से प्यार होता है, आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं, है ना। तो जहाँ पर प्रेम होता है इंसान वहीं जाता है। तो इस प्रकार से ये दो बैलों की कथा है प्रेमचंद्र जी की। ये बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है, ग्रामीण आंचलिक की बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है। इसको ये आज कंप्लीट हो गई। अब इसके जो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं प्रेमचंद्र जी के जो क्वेश्चन लिखे हैं ये हम आपको नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको नेक्स्ट लेकर आएंगे, ठीक। तो दो बैलों की कथा जो है प्रेमचंद मैंने आपको आज कंप्लीट कर दी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।